तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अब कंपनीज हैं, अगर स्पेशली मैं बात करूँ बैंक सेक्टर्स की, तो वहाँ पे आपका सिबिल स्कोर भी चेक होने लगा है। ये सच है, बट ये अभी तक जो रूल है सिबिल स्कोर का, ये सिर्फ बैंक सेक्टर तक आया है। बैंक चेक कर रही हैं, एंड बैंक में भी कुछ लिमिटेड बैंक्स हैं, मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कुछ लिमिटेड बैंक्स हैं जहाँ पे आपका सिबिल स्कोर चेक होता है। अच्छा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में नॉर्मली अभी तक क्या होता था, आपका एक्सपीरियंस चेक होता था, आपका ऑफर लेटर चेक होता था, आपकी पर्सनल डिटेल चेक होती थी। बट कुछ बैंक सेक्टर ऐसे अभी हो गए हैं जो आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं लिटरली, क्योंकि उनके पास पोर्टल्स के एक्सेस होते हैं। डायरेक्ट आपका पैन नंबर डालना है, बाकी उनके पास डिटेल होती है आपकी, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करते हो तो वो डिटेल आपकी होती है उनके पास। तो जैसे ही वो हिट करेंगे सिबिल स्कोर के पोर्टल पे, तो वहाँ पे दिख जाएगा कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है। तो अगर सिबिल स्कोर आपका लो है, तो चांसेस आपके कम हो जाते हैं जॉब वहाँ पे मिलने के। लो इन द सेंस कि लगभग आप मान लो ना के बराबर हो जाते हैं, बट आपका गुड होना चाहिए, वेरी गुड होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए। अगर इनकेस एक्सीलेंट है, तो आपके मान लो 10 से 20% चांस ऐसे ही बढ़ जाते हैं उस बैंक में वो जॉब पाने के लिए। तो ये स्पेशली ये बैंक सेक्टर्स के लिए है, लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे अदर सेक्टर्स, चाहे वो IT हो, चाहे वो HR हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, तो वहाँ पे अभी ये सिविल स्कोर वगैरह का पंगा नहीं है। अगर आप हेल्थ केयर को ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे आपका सिविल स्कोर चेक नहीं होगा। कोई IT फर्म ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे आपका सिविल स्कोर चेक नहीं होगा। या कोई एक स्टार्टअप है, तो वहाँ पे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी थोड़ा सा इजी होता है, मतलब एज कम्पेयर टू बिग MNCs, उनके लेवल का नहीं करते हैं वो लोग, बट नॉर्मल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यस होता है वहाँ पे भी, बट वहाँ पे सिविल स्कोर का आपका पंगा नहीं होगा। तो आपको ध्यान रहे कि अगर आप किसी बैंक में अप्लाई कर रहे हो और आप वहाँ पे जॉब करने लगे, तो उसके पहले आप ये देख लो कि आपका सिविल स्कोर बेटर होना चाहिए जाने से पहले। क्योंकि क्या होता है कि जब आप चले जाते हो, फिर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट होता है, फिर कुछ टाइम बाद वो वहाँ पे पकड़ा जाता है, फिर हो सकता है आपको वहाँ पे रिजेक्शन मिल जाए, टर्मिनेशन मिल जाए। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप पहले से चेक कर सकते हो अपना सिविल स्कोर अगर किसी आप बैंक सेक्टर में ज्वाइन करने वाले हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, PDF चाहिए, IT सपोर्ट, नॉर्मल टेक सपोर्ट की जॉब सर्च कर रहे हो, तो लिंक मैंने नीचे दिया हुआ, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। मेरा बेस्ट रिज्यूमे पड़ा हुआ है उस पर, जो कि आप वो चाहो तो भी चेकआउट कर सकते हो। मेरा नाम है शुभम महमल, तो नेक्स्ट वीडियो में डालना है। ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।